तशरीफ रखिए मोहतरम शेख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अरसे से आपकी आमद के मंतजर थे और यहां लौटकर आपने हमें इज्जत बख्शी है, आपको बहुत शुक्रिया। अस्तग़फिरुल्लाह हुज़ूर, शुक्र है अल्लाह का कि जिसने हमें अर्तुल गाजी की सरजमीन पर आने का शर्फ बख्शा। यहां आकर मुझे बहुत खुशी हुई। माशाल्लाह, हम गवाह हैं कि आप दीन और अख्तदार के रास्ते पर चल रहे हैं, अपनी मंजिल पा लेंगे आप। आमीन। बैठ सकती हूँ बाबा? मेरी प्यारी बेटी, आओ हमारे पास बैठो। तो इसीलिए बुला और साबित कदम रहो जैसा तुम्हें हुक्म दिया गया है, और उन ख्वाहिशों के पीछे न चलो, और कहो कि मैं उस किताब पर ईमान लाया जो अल्लाह ने उतारी है, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान इंसाफ करूं। अल्लाह पाक अपनी किताब में यह हुक्म देता है। और हां, हमें हमारे दीन इस्लाम ने यह भी सिखाया है कि जब किसी को कयादत सौंपी जाती है, अगर वो लोगों की भलाई और इंसाफ की खातिर फैसले करता है, उसका रास्ता रोशन होगा, और जो कोई भी लोगों के सरों पर सिर्फ हुक्मरानी करता है, वो इंसाफ और अपने लोगों की भलाई की परवाह नहीं करता, उसका रास्ता तारीकी है। आपका रास्ता रोशन हो हुजूर। अल्लाह आपकी नस्ल में बरकत और खुशहाली फरमाए। आमीन आमीन। जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ तुर्क मुसलमानों की जिद्दोजहद जारी रहे। अल्लाह पाक अर्तुरुल गाजी की सौंपी हुई सरदारी को तख्त में बदल दे, और ये तुम्हारी औलाद में मुंतकिल हो इंशाअल्लाह। आमीन आमीन।